तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इफ टू ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 7 बीट पर सेकंड, द स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, ये हमको पूछा गया है। तो यहां पर दो ओपन ऑर्गन पाइप दिए हैं, एक का लेंथ है 50 सेंटीमीटर और दूसरे का लेंथ है 51 सेंटीमीटर। दोनों को साथ में बजाया गया है और जब दोनों को साथ में बजाया गया तो ये क्या कर रहा है? तो ये 7 बिट्स पर सेकंड के बिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहां पर आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बिट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पाइप लिखेंगे। तो क्या हम लिखेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पाइप। बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पाइप का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वन इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 2L1, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो भाई डेल्टा वन क्या होता है? तो वो होता है बीट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद V क्या होती है? तो V होती है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद L1 क्या होता है? तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप। L1 क्या होता है? लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप। और ये जो L1 दिया है वो कितना दिया है? तो वो दिए है 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 50 डाल देंगे तो डेल्टा वन क्या आ जाएगा? V डिवाइडेड बाय 2 × 50, ये हमें एक मिल गया है। ठीक है, उसके बाद हमको बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पाइप भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पाइप, इसको दिखाएंगे डेल्टा टू से और ये क्या हो जाएगा? V डिवाइड बाय 2L2। तो ये कितना आता है? V डिवाइडेड बाय 2 × 51, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ बीट डिफरेंस कितना आएगा? तो इक्वेशन ऑफ बीट डिफरेंस, इक्वेशन ऑफ बीट डिफरेंस दिखाई देगा डेल्टा से, ये कितना होता है? तो ये होता है डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। ठीक, डेल्टा कितना होता है? डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। तो डेल्टा वन कितना है? V डिवाइडेड बाय 2 × 50 माइनस V डिवाइडेड बाय 2 × 51, तो ये हो गया। अब जो डेल्टा दिया है वो कितना दिया है? तो वो 7 दिया है, जो बीट फ्रीक्वेंसी हमको दी है वो 7 दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 या फिर ऐसा है, तो ये कितना आएगा? 1/50 माइनस 1/51। तो यहां पर ये आ गया है 7, मैंने गलती से 2 लिख दिया है, तो ये तो है 7 और ये कितना हो जाएगा? तो ये 14 इज इक्वल टू V, कितना आता है? 51 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 × 51। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 51 माइनस 50 कितना हो जाता है? तो वो 1 हो जाता है। 14 × 50 × 51 इज इक्वल टू V, ये कितना आएगा भाई? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 357 00। कितना आता है? 357 00 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाता है। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। और जैसे ही हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे,
ये कितना आएगा 357 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू हमारे पास मिलके आती है।